ये देख लो भाई, ये आ रहा झंडा भी देखो। और भाई हमारे साथ एक बहुत गंदा सीन हो गया, ये देखो भाई क्या हो गया, पता नहीं भाई टायर फट गया क्या फटा। और ये ना यहाँ पे देखो भाई, ये पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं ना यहाँ से, तो मे भी शायद कोई पत्थर की वजह से भाई टायर का हो गया। ये देखना भाई गाड़ी का धुआं फेंक रही है, ये देखो गाड़ी भाई इतना तेज धुआं। फिर बाकी भाई गाड़ी में सामान वामान रख रहे हैं, बाकी भाई देख लो ये था वो चौपटा मिडोस हेरिटेज कैंप्स। बाकी भाई किसी को आना तो आ जाना भाई, रीजनेबल प्राइस है। बाकी मैं आपको नंबर वगैरह दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, आ जाना भाई ऑन रोड है। बाकी भाई पूरे कॉपरेटिव में भाई हमने बोला था भाई मैगी वैगी बना लो, इन्होंने भाई मैगी बना दी हमारे लिए, स्पेशल परांठे भी थे मैगी भी थी, और उसके कोई इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया था। बाकी भाई धन्नो देखो, इस धन्नो से आए थे, गंदी ये भी बहुत हो गई है। बाकी इतनी ठंड नहीं कि भाई पोल्ट्री स्टार्ट करना पड़े, बट फिर भी हम लोग कर ले रहे हैं। चलो भाई मिलते हैं, अब देखो ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं वैसे तो अभी हम, बाकी देखो ऋषिकेश निकल रहे हैं अभी हम लोग फिलहाल, देखते हैं। बाकी भाई अंदर सारा पैक हो गया, देख लो भाई क्या प्लानिंग चल रही है। ज़्यादा अंदर दबा के लगा, थोड़ा बहुत ही पानी गिरेगा बट उसी के लिए। बस भाई इतने से के लिए ही, ये देख लो भाई ये आ रहा झरना, और यहाँ का व्यू देखो। तो गाइस ये देख लो, तो गाइस ये देख लो भाई व्यू कैसा है यहाँ का। एक चीज़ दिखाऊँ आपको, एक सेकंड देखो भाई, ये देखो भाई पानी देखो भाई, इतना साफ पानी है, देखो देख रहे हो कितना साफ पानी है भाई। और ये भाई इस भाई का ना इंटरव्यू है करण का, तो इस मारे रुकना पड़ा है, तो भाई ये गाड़ी में बाकी यहाँ सामने रुके हम लोग भाई, कुछ खाएंगे पियेंगे थोड़ी देर। क्या है स्टार्ट नहीं हुआ, कर रहा हूँ स्टार्ट होने वाला। एस का इंटरव्यू भाई से ऑल द बेस्ट बोल दो। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट भाई, दे दे भाई। चल भाई चाय मंगाइए और ऑमलेट, यहाँ रुके हैं। चाय के बाद देख लो भाई आ गए अपनी अंडा भुर्जी, विक्की तो हमारा खाएगा नहीं, सागर भाई और मैं खाएंगे बस, है ना सागर भाई। भाई ये देख लो व्यू देखो, और पानी देखो यार, यहाँ का पानी देखो भाई, जहाँ रुक रहे हैं ना हम लोग वहाँ का पानी देखो यार, बहुत भाई बहुत साफ पानी है। और ये देख लो भाई कितनी ऊँचाई पे अभी हम, ये देखो भाई व्यू एक नंबर है भाई, व्यू के तो पैसे हैं क्यों रे विक्की। आज तो भाई इसका बर्थडे है, तो भाई थोड़ा सा बिजी है इसके, इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं भाई, आप लोग भी इसे हैप्पी बर्थडे बोल दो, और एक हैशटैग मंकी डाल देना भाई, है ना, वो डाल जरूर डाल देना भाई याद से। ये भाई एक रिक्वेस्ट है मेरे को भाई, व्लॉग में नाइस व्लॉग वगैरह कुछ मत करो, बस भाई जो भी रहेगा एक कमेंट जरूर मार देना, हैप्पी बर्थडे हैशटैग मंकी, इसे स्पैम करना है। तू सागर भाई क्या बोलते हो, हैशटैग मंकी, हैशटैग मंकी। देखो क्या व्यू है यार यहाँ का, और भाई हमारे साथ एक बहुत गंदा सीन हो गया, ये देखो भाई क्या हो गया, पता नहीं भाई टायर फट गया क्या फटा। और ये ना यहाँ पे देखो भाई, ये पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं ना यहाँ से, तो मे भी शायद कोई पत्थर की वजह से भाई टायर का हो गया कलेश। हाँ यार अब भाई देखो, अब स्टेपनी भी पंचर ही है भाई की यार, बाकी सारे टायर तो ठीक है यार, एक ही पता नहीं यार अभी होना था इसको भी, वैसे ही लेट हो रहे हैं यार। मेरे ख्याल में ना फट सा गया यार, पता नहीं ये यहाँ से लग रहा मुझे फट गया, टायर फटा है यार, टायर फट गया यार भाई, बहुत गंदा सीन हो गया यार, फंस गए भाई गलत जगह, देख रहे हो यहाँ कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। मैं उधर सर भाई, हाँ भाई आज बर्थडे बॉय के साथ देखो क्या गिफ्ट मिला है यार, इसके साथ कलेश होता ही है विकास के साथ ना,
गले से कुछ ना कुछ जरूर होता है कहीं भी जाए, कुछ ना कुछ वो जरूर विकास। जहाँ से गाड़ी आज तक टोनी हुई, हाँ स्किट हो गई, ये मचा रहा है पहले भाई ये बात तो। अब देखो भाई गंदा सीन हो गया, अब देखो भाई क्या करेंगे यहाँ बैठ के, बहुत गंदा सीन हो गया भाई। ये देखो निकाल दिया भाई टायर, अभी साले वहाँ उड़ के चला जाता सीधे, हवा है इसमें पहले देख लो, हवा डाल लो इसमें थोड़ा थोड़ा, मैंने देखा था यहाँ से लीक कर रहा है। मैं यार करण भाई बिल्कुल हल्का सा, पता नहीं चलेगा, पानी डाल के देख लो, डालना पानी डालो ठोक रहे। अरे सागर भाई तुम भी यार, करण क्यों करवाता है भाई तू, इतना भारी वजन लेके चल रहा है भाई। डाइटिंग शुरू कर रहा, डाइटिंग शुरू करूंगा, मतलब टायर फट गया यार, बहुत गलत सीन हो गया भाई। भाई अपने का कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे साथ, पड्डे भाई को भाई क्या क्या करना पड़ रहा है भाई, हाथ बटाओ यार भाई, डंडी लेके भाई हाथ नहीं है, पैर बटाना पड़ेगा। ए यार मैं ऐसे कह रहा था भाई, गाड़ी के टायर वायर थोड़े से ऐसे हैं, देख करना पड़ेगा। मगर सागर भाई तुम तो व्यू के मजे लो आराम से, और कह लो तुम्हारा तुम्हारा बढ़िया सा कंटेंट आ गया, कंटेंट मिल गया भाई मेरे को ये। बाकी भाई देखो अगर इससे नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा भाई तुम्हें पता है फिर क्या है, अभी दो मिनट में कर दूंगा सब, मैं ज़्यादा देर खेल लिया मगर ये गलत हो गया हमारे साथ। ये देख लो भाई कि टायर गया यहाँ से, बोल याद है टायर भाई, टायर का काम हो चुका, अब एक ही टायर है अपने पास, गाड़ी देख के चलानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। बिक्की भाई हमारा लग रहा है भाई, यहाँ पे ना कंकड़ वंकड़ ज़्यादा पड़े हुए हैं यार, इस चक्कर में है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होगा, बट भाई जब तक ऐसा ना हो तक ट्रिप का क्या ही मज़ा है, कुछ ना कुछ तो प्रसाद लेना पड़ेगा ना, जब ऐसे अगर ऐसे व्यू का तुम्हें मज़ा लेना है तो फिर भाई ऐसा प्रसाद भी लेना पड़ेगा। चलो भाई लो भाई तुम तो टाइम लैप्स के मजे लो, हम यहाँ पे हम प्रसाद ले रहे हैं, तुम टाइम लैप्स के मजे लो। अब लग चुका है हमारा टायर और ये लगा रहे हैं व्हील कैप, इसकी नोजल देख के लगाना, नहीं तो नोजल बोल जाएगी, वो ही नोजल देखो, वो रही छुज्जी, वो रही ये है ना, ये देखो ये कट आएगा उसमें, ये वाला कट, ये वाला कट, ठीक है। और ये हमारा रख रहे हैं टायर विक्की डोन, लग गया भाई टायर हमारा, लेट पे ऑल लेट हो गए, कोई नहीं भाई। कैसी मौज आ रही है भाई, हाँ कैसे एहसास हुआ तेरे को, गाड़ी एकदम बोल गई, गाड़ी लहर गई थी ना एकदम ही भाई, गाड़ी एकदम लहर गई पीछे से, हमने कहा भाई ये क्या हुआ, फिर समझ गया भाई टायर बोल गया हमारा। चलो भाई वैसे लेट हो चुका, फटाफट ऋषिकेश पहुँचना है, पहले टायर डलवाने इसमें, अब पहले भाई ऋषिकेश पहुंचना है फिलहाल तो, जैसे जैसे भाई आराम आराम से चाहेंगे अब ऋषिकेश पहले पहुंच जाए यार। बाकी देख लो यहाँ का नज़ारा देख लो, ऑसम मौज मौज है भाई, देखो मौज है, मौज मौज हो रही है, मगर क्या है भाई टायर ने जवाब दे दिया, वरना तो भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब ऋषिकेश से मिलवाता हूँ आपको फटाफट, ऋषिकेश चलते हैं, तब तक टाइम लैप्स के मजे लो, हमारे तो ले लिए मजे भाई, जिंदगी हमारे मजे ले रही है, हम क्या मजे लेंगे, जिंदगी मजे ले रही है। सागर भाई मेहनत करवा दी काम का भाई, कितनी तेज धूप लग रही है ना, क्या बताऊँ, अब भाई गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ मैं, ठीक है मिलता हूँ आगे। भाई जिस हिसाब से रोड है ना ये, एक डेढ़ घंटा लगेगा भाई मुश्किल से, हम ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, यहाँ से 70-80 किलोमीटर रह रहा है ऋषिकेश। बाकी भाई व्यू एक नंबर है यहाँ का, बाकी यार यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, दिन में तो भाई गर्मी है यार, दिन में बहुत तेज धूप है एकदम चुभने वाली, क्यों भाई विक्की भाई मुझे तो रात में ठंड नहीं लगी, तू यार देखो तेरे को एक बात बोली थी ना ऊपर टुंगनाथ में, कहाँ गए थे जहाँ पे गए, एक बंदे ने तेरे को बात बोली थी, वो बात नहीं बोलती जो, हाँ मैं बताई नहीं, मैंने इसमें बताई नहीं वो बात क्या बोली थी, मगर वो बात तेरे बिल्कुल सही बोली थी ना, वो लागू होती तेरे पे, हाँ ठंडा वाले गई थी भाई, सुबह सुबह घूम रहा था टी शर्ट में, वो तो मैं सुबह सुबह ब्लॉग में देखा ही था। बाकी देखो भाई तुम्हें टाइम लैप्स के मजे लो, और बताओ भाई कैसा लग रहा है ब्लॉग। बाकी भाई एक चीज़ ध्यान रखना, इस ब्लॉग में मैंने एक चीज़ मांगी है भाई, वो जरूर कर देना, हैप्पी बर्थडे वाला है ना।
भाई ये देख लो, अब यहाँ से मिला है, देखो मैं क्लियर पॉइंट देखो भाई, कल दिखाता हूँ कल हम लोग कहाँ थे भाई, वहाँ थे यार, हम लोगों से वहाँ से एकदम क्लियर नहीं दिखा था भाई, यहाँ से देखो एकदम क्लियर दिख रहा होगा भाई यहाँ से। तो ये है भाई मेन संगम है ना भाई, क्या लोकेशन क्या रुद्रप्रयाग है ना, ये है भाई देखो। बाकी ये देखो ये स्पॉट है भाई नहाने वगैरह का जो है ना, ये यहाँ पे ये भाई नहाने का स्पॉट, बाकी देख लो ये है मेन संगम, ठीक है भाई। दिखा दिया भाई सारी चीज़ आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ भाई, जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहा हूँ भाई मैं तो। ये भाई बाकी लोकेशन देखो यहाँ की, क्या प्यारी लोकेशन है, देख लो भाई क्या प्यारी लोकेशन है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे भाई ये देख लो संगम भाई, देख लो यहाँ रुके हैं भाई हम लोग, थोड़ा भाई नूडल्स वगैरह लेंगे, मोमोस वगैरह लेंगे, भूख लग रही है क्योंकि ऋषि के साथ एक घंटा लेट है और भाई अभी हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ठीक है, तो भाई भूख लग रही है बहुत तेज। बाकी ये देखो व्यू एंजॉय लो भाई, व्यू देखो तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे व्यू दिखा रहा है ना भाई, ऋषि से एक डेढ़ घंटा पहले पड़ता है ये देवप्रयाग के आगे। और ये देख लो भाई व्यू, देखो व्यू बताओ कैसा लग रहा है, वो पीछे दिखाता हूँ आपको सिनेमेटिक शॉट। चौमिन हो रही है भाई, यार हर वीडियो में तुम्हें बताता हूँ मैं खाने के बाद बताऊँगा, खा के ही बताता हूँ, हर वीडियो बताता हूँ खा के बताऊँ। कहा है भाई, ठीक है भाई, ओके ओके भाई, बैच के साथ ही ठीक है, चलो भाई खा लेते हो फटाफट। गाड़ी लेके आ चुके हैं तो भाई वही लिया है हमने, होटल राजा पैलेस भाई, आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा हमारे नैनीताल वाला, उन्हीं भाई के पास रुके जो मंडावली वाले भाई थे हमारे, उन्हीं के पास रुके हैं भाई, रूम इस बार भी हमने अच्छे लिए हैं, अभी चल के आपको रूम टूर कराता हूँ, ठीक है। चलो पहले गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं, सामान वामान निकालते हैं, पहुँचाते हैं। तो गाइस इस व्लॉग को कर दे रहा हूँ भाई यहीं ख़त्म, क्योंकि भाई व्लॉग हो रहा है बहुत ही ज़्यादा लंबा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में भाई कराऊंगा रूम टूर और घुमाएंगे भाई, रात में लोग जाएंगे लक्ष्मण झूला वगैरह घूमेंगे, और मतलब आपको ऋषिकेश की रात नाइट लाइफ दिखाएंगे, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। इस व्लॉग को भाई मैं यही खत्म कर दे रहा हूँ, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो भाई कमेंट करके जाना, अगर यहाँ तक आपने व्लॉग देखा तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है भाई। और बताओ भाई आप लोग, बस भाई बहुत मजा आ रहा है, आराम से अपना रेस्ट करेंगे और कल से नई जर्नी शुरू करेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत थी। भाई आपको पता है टायर वायर भी फट गया हमारी गाड़ी का, बहुत भाई पूछो क्या क्या कलेस हुए हैं। अब जैसे जैसे भाई पहुंच गए हैं अपने होटल राजा पैलेस में भाई, जहाँ लास्ट टाइम थे, ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट पेपर वर्क करेंगे, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में देख लेना भाई, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।